मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 और बड़ी खास खबरों का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनावी रण में आज दस्तक देंगे। नरेंद्र मोदी गढ़वा आज शहर के चेतना मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मंगलवार को पीएम मोदी के कार्यक्रम प्रभारी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रमंडल प्रभारी उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पलामू सांसद बीडी राम, डीसी एवं एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम का समापन समारोह में शामिल होंगे। 6 नवंबर को 3 दिवसीय समारोह का समापन होगा। उत्सव की शुरुआत आज से होगी। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों और जिला जज के बीच हुए विवाद के मामले में आज प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने सभी जिलों को भेज दिया है। ये जानकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने दी। शर्मा ने बताया कि विवाद को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2,365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांगों समेत कुल 3,193 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे, जो आज से शुरू होगा। वहीं 10 नवंबर तक जारी रहेगा। वहीं होम वोटिंग के समय संबंधित राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। वहीं स्पीकर का चुनाव आज सुबह 10:30 से पहले होगा। इसके बाद उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। बता दें इसके चलते कल एक बैठक का भी आयोजन किया गया। उज्जैन में आज श्री महाकालेश्वर मंदिर से श्रावण भादो और दशहरा पर्व के बाद राजाधिराज भगवान महाकाल की 4 सवारी कार्तिक एवं अगहन मास की निकलेगी। पहली सवारी आज निकलेगी। वहीं भगवान महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए राजसी ठाटबाट से नगर भ्रमण पर निकलेंगे। गुलेरिया चीनी मिल आज से चालू होगी। बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड यूनिट गुलेरिया चीनी मिल का पेराई सत्र आज से चलने जा रहा है। मिल के महाप्रबंधक योगेश कुमार सिंह ने बताया कि गुलेरिया चीनी मिल का 18वां पेराई सत्र 2024-25 4 नवंबर सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसके लिए 2 नवंबर को मिल के कांटों पर तौल शुरू कर दी जाएगी। आज से हरिद्वार के चंडीघाट पर गंगा महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। NMCG हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करता है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। ऐसे कैंडिडेट जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की तैयारियों में जुटे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा आज से हरियाणा TET परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन आम जनता को अब तक गर्मी से निजात नहीं मिल पाई है। वहीं सर्दी की शुरुआत होने में अभी देर है। सप्ताह भर तक गुलाबी सर्दी शुरू होने की आहट नहीं है। अभी जनता को गर्मी से ही जूझना पड़ेगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1822 में आज के दिन दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था। साल 1955 में आज के दिन हिंदी सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुड़ी का जन्म हुआ था। साल 1970 में आज के दिन फिल्म अभिनेत्री तब्बू का जन्म हुआ था। साल 1984 में आज के दिन ओबी अग्रवाल एमेच्योर स्नूकर के विश्व चैंपियन बने थे। साल 2015 में आज के दिन पाकिस्तान के लाहौर में एक इमारत ढहने से 45 लोग मर गए थे, करीब 100 लोग घायल हुए थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।